नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ ब्रदर चैनल। और इसमें आज हम प्रॉब्लम को ये डायग्नोस करने जा रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन मीटर में लाइट पूरी, जैसे कि मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ तो चाबी ऑन करने पे देखिए क्वेश्चन मीटर में लाइट पूरी आ रही है, ठीक है, यहाँ यहाँ सब आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि फ्यूल का जो गेज है ये उठ नहीं रहा है। देखिए चाबी मैंने बंद किया, चाबी ऑन किया, लेकिन फ्यूल का जो गेज है वो बिल्कुल उठ नहीं रहा है। और ये जो फ्यूल का सिंबल यहाँ दिखाता है लो फ्यूल का, ये दिखा रहा है लगातार स्टार्ट करने पर भी। तो इसको हम डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे है। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम क्लस्टर मीटर नया डाल के देख चुके हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने टंकी में जो फ्यूल गेज पड़ा था उसको भी हमने रिप्लेस किया था, मतलब दूसरे गाड़ी का टंकी हमने उसमें डाल दिया था, तब भी नहीं उठ रहा था। इसका मतलब ये है कि फ्यूल गेज से दिक्कत नहीं था और मीटर से भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और कनेक्टर से या वायरिंग से ही है। तो अभी डायग्नोस करेंगे अच्छे से वायरिंग से कि कहाँ कहाँ पे है, और आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ वायरिंग चेक करना चाहिए आपको इसको चेक ठीक करने के लिए। तो अभी हम पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर हमने चेक किया है वायरिंग, और वो जगह आपको दिखाते हैं हम आगे की तरफ है। एक मिनट ज़रा आपको दिखाते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर कनेक्टर कई सारे हैं, 3-4 कनेक्टर हैं जो कि इंजन वायरिंग के होते हैं और चेचिस के वो होते हैं, ये सब आपस में लड़ते हैं आके। तो हमने कनेक्टर्स को खोला है और खोल के चेक किया है, लेकिन क्या है कि कनेक्टर में धूल मिट्टी से हमने उसको साफ़ कर दिया है और वो उसको फिर लगा दिया है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। ये कनेक्टर देखिए हमने अब देख रहे हैं ना, 3-4 कनेक्टर आपको दिखेंगे, 5 कनेक्टर देखते हैं, लेकिन हमने 3-4 जो मेन कनेक्टर हैं वो सब देखे हैं, ये दिखाते हैं ये सब। ये तीनों चारों कनेक्टर आपको आगे की तरफ मिलेंगे, इंटरकूलर के ठीक आगे रहते हैं, सब ऊपर आते हैं इंटरकूलर के, आपको ये मिल जाएंगे कि यहाँ पे मेरा इंटरकूलर है और इंटरकूलर के ठीक मैं आगे यहाँ पर मतलब मोबाइल किया हूँ, पीछे से लेके आया हूँ तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये सब कनेक्टर हमने चेक किया है, इसमें से कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम पीछे हम बढ़ते हैं, पहले अब टंकी जहाँ पर टंकी मोटर इसका है, तो देख सकते हैं ये गियर बक्सा है और ये आपका इंजन है इधर है और ये साइलेंसर है, ठीक है। तो जो टंकी इसका है पीछे की तरफ, पीछे ये रहा, ये टंकी है, ये देख रहे हैं आप ना, ये टंकी है, टंकी में टंकी मोटर लगा हुआ है। उसका जो वायरिंग है देखिए, ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग ये देख सकते हैं आप, ये ना वायर, ये वायर है, इसके अंदर वायर है। तो यहाँ से हम चेक करते अभी आ रहे थे कि इधर से चेक करते 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 जो वायर है ये कहीं कटा पिटा तो ना हो, तो अभी हम ऊपर ऊपर ही देख रहे थे। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ वायर हम वहाँ देख रहे, कहीं लड़ तो नहीं रहा है, टच तो नहीं कर रहा है। तो इसके नीचे है सॉकर के नीचे, देखिए यहाँ पे वायर गया हुआ है, ये वायर वहाँ से हो गया है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं कटा हो, नहीं कहीं कटा तो नहीं इधर है, और इधर हम आए। उसके बाद फिर इधर से देखिए हम इधर जो है ये वायर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए वायर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वायर आपस में कटे हुए हैं, देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा भाई, देखिए 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 कुछ वायर कटा है ना आपस में, क्योंकि फ्लैश ऑन करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ वायर कटा हुआ दिखेगा, असल में कटा कैसे था ये देखिए, ये यहाँ पे लॉक था वायर का, ये लॉक लगा हुआ था यहाँ पे, और ये वायर ऐसे था, ठीक है, ये हमने अभी ऐसे किया है, ये वायर ऐसे था और ये ऐसी गाड़ी चल रही थी। जब गाड़ी हिलती थी तो ये जो कि ये जो पाइप है ब्रेक पाइप है, इसके अंदर ब्रेक का फ्लूड रहता है अंदर, तो ब्रेक फ्लूड के पाइप के से टच करते करते ऐसे ये कटते करते 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 मतलब रगड़ा रगड़ा के ये कट के इतना कट गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक नहीं दो वायर कटे हुए हैं, अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि 2-3 वायर कौन से कटे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी, केवल वही फ्यूल गेज का दिक्कत था, और फ्यूल गेज का वायरिंग यहाँ से होके जाता है, तो ज़रूर हो सकता है कि फ्यूल गेज का वायर कटा हो, लेकिन अगर कोई और वायर भी कट रहा है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टंकी मोटर का वायर भी यहीं से जाता है, और टंकी मोटर कहीं बंद हो गया तो फिर गाड़ी भी नहीं स्टार्ट होगी,
तो फिलहाल इसको हम डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं कौन सा वायर कटा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं और इस लॉक को निकालते हैं। और अभी इसको ठीक करने के बाद इस पाइप को हम एडजस्ट करेंगे ताकि ये दोबारा इस पर टच ना करें। ये लोहे का पाइप है और इस पर टच कर रहा था, टच करने की वजह से इस वायर को काट दिया है। देखिए कवर काटा इसने पहले, कवर काटने के बाद देखिए कवर, देखिए यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा इस हिस्से का कवर इसने आगे से काट दिया है, वायर को भी काट दिया है। क्यों? क्योंकि ये पाइप ऊपर नीचे कहीं लड़ा होगा या तो फिर पाइप ऊपर नीचे हो गया है जिसके वजह से वायर इसमें टच करने लगा था। वायर तो मैं जगह था, वायर नहीं हिला है लेकिन पाइप ऊपर नीचे हुआ है कहीं। तो इधर तो हम देखते हैं, इधर तो कहीं वायर हमको नहीं लग रहा टच कर रहा है। इधर तो ग्राउंड, देखिए हमारा ग्राउंड ये है G6, इसको बोलते हैं हम, इस वायरिंग में G6 इसका कोड है। तो G6 का ये ग्राउंड, अगर हम निकाल देंगे तो कोई भी क्या कहते हैं कस्टमेटम लाइट नहीं आएगा, आपका टंकी मोटर नहीं चलेगा। तो ये ग्राउंड लगाना ज़रूरी है, तो ग्राउंड का वायर भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर हमें कहीं नहीं लग रहा कहीं से टच कर रहा आपस में, सब अलग अलग हमको दिख रहा है। और इधर भी एक गया वो, ये कौन सा वायर है भाई? ये है आपका गियर लीवर, गियर वायर है यहाँ पे देखिए। तो गियर वायर के पास हम देख लेते हैं, यहाँ भी टच कहीं नहीं ना कर रहा है, यहाँ नहीं कहीं टच कर रहा है। तो फिलहाल पहले हम इसको ठीक करते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम पहले दिख गया है आगे। तो अभी खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कहाँ कहाँ कौन सा वायर कटा है। और अभी हमने इसको उधेड़ दिया है, अभी हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वायर कटा है एक्चुअल में। देखिए दो वायर ये कटा हुआ है आपस में, और एक ये दो वायर, एक ये, सॉरी दिखा नहीं पा रहा मैं आपको, खुद देख रहा हूँ, ये एक वायर, एक ये वायर, दो वायर यहाँ से जो आ रहा है ये कटा हुआ है, और ये एक वायर और ये एक वायर, ठीक है। तो दो वायर तो हमको इधर दिख गया कटा हुआ आपस में, मतलब कट गया है सबसे, कट के अलग अलग हो गया इधर का दो वायर, मतलब ये दो वायर किस दो वायर में जॉइंट होगा। और इधर का एक और वायर है देखिए, ब्लैक कलर का दिख रहा है ग्राउंड का, ये टंकी मोटर का, ये भी कट रहा था, तो इसको हम काट के अच्छे से जोड़ देंगे अभी, ठीक है। और कोई वायर तो हमको नहीं लग रहा यहाँ पर कटा हुआ है, नहीं टंकी मोटर का वायर था, ये मोटा वाला है, ये सही है, ये नहीं कट रहा है, यही वायर कट रहा था, बाकी सब तो ठीक लग रहा था का वायर। हाँ ये दो वायर कटा हुआ है स्पेशली है ये, तो दो दो वायर हमको जोड़ देंगे, बाकी ये जो कटा हुआ है इसको भी काट के हम अच्छे से जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये रेड है, रेड एलो में है, तो रेड एलो में ये वायर जॉइंट होगा, और ये ग्रीन और रेड में है तो ग्रीन रेड में ये ग्रीन रेड वाला जॉइन होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर देख के हम इसमें जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा और वायर चाहिएगा क्योंकि ये वायर छोटा पड़ रहा है, इसमें सट नहीं पाएगा ठीक से, क्योंकि जब हम काटेंगे तो वायर छोटा पड़ जाएगा, तो हम चाहते नहीं कि इधर से वायर खींचना उचना पड़े, खींचने से वायर और भी फैलता है तो और कमज़ोर हो जाता है। तो अच्छा ये रहेगा कि हम वायर थोड़ा सा और लेके इसमें जोड़ देंगे आपस में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं थोड़ा वायर लेके आते हैं और काट के फिर इसमें जोड़ते हैं। देखिए आप साफ साफ देख लीजिए यहाँ पे, देखिए दोनों वायर कटा हुआ है, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद आपको हम सीधे अब दिखाएंगे कि क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो फिलहाल वायर जोड़ने जाते हैं, इसका इंतजाम करते हैं भाई। दोस्तों देखिए हमने वायरिंग जो है रिपेयर कर दिया है, यहाँ पर पूरा टेप उप लगा के बढ़िया से अंदर से एक एक वायर को टेप लगाया अलग अलग करके, उसके बाद फिर दोनों को अच्छे से कवर में डाल के टेप कर दिया है। और देखिए जो पाइप में सट रहा था उसको हमने अलग कर दिया, थोड़ा सा पाइप को थोड़ा सा फैला दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब ये गैप आ गया है बीच में, तो अब ये जो वायर वायरिंग हार्डनेस है इसमें टच नहीं करेगा। तो यहाँ सब ठीक हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्लस्टर मीटर में, क्योंकि हम भी अभी क्लस्टर मीटर चेक नहीं किए हैं, मतलब ये कि वायरिंग को ठीक करने के बाद नहीं चेक किए हैं, अभी वायरिंग को ठीक कर दिए हैं, तभी हम पहले चेक करेंगे कि क्या वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, या और कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब हम क्लस्टर मीटर ऑन करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्यूल ये देखिए वहाँ बताने लगा है, अलग है फ्यूल थोड़ा कम लग रहा है अभी हमको, लेकिन फ्यूल ये बता रहा है ठीक है। एक बार चाबी हम रुकी फ्लैश बंद कर देखिएगा, देखिए फ्यूल ये देखिए हम चाबी काटे हैं, फ्यूल ये नीचे आ रहा है ठीक है। और अब देखिए क्लस्टर मीटर बंद है, अभी हम जैसे क्लस्टर मीटर ऑन करेंगे, चाबी ऑन करेंगे अभी, और देखिए फ्यूल ये उठना शुरू हो जाएगा, ये देखिए देख रहे हैं आप मीटर ऑन है, देखिए फ्यूल आपका उठने लगा। तो दिक्कत ये वायरिंग थी, वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और ठीक है बढ़िया
काम कर रहा है, फ्यूल अगर फ्यूल कम है लेकिन बता रहा है। बाकी सब हमारा ठीक है, कस्टमर लाइट तो आ ही रहा है हमारे सब जगह पे। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, वायरिंग से ही वायरिंग ठीक कर दी हमने। अब इसको कवर ओवर जो है लगा वगा देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि वायरिंग हमने किस तरह से डायग्नोस करके वायरिंग का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया आपस में और ये ठीक हो गया सामान। तो आपको बस ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि पार्ट कभी कभी क्या होता है पार्ट नहीं ख़राब होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पार्ट ख़राब ही हो गया हो या फिर फ्यूल गेज है तो फ्यूल गेज ख़राब हो गया हो, मीटर है तो मीटर ही ख़राब हो गया हो। ऐसा कई बार होता है कि वायरिंग भी कट पड़ जाता है तो उसके वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाने लगती है। तो हमेशा आप चीज़ों को डायग्नोस करें अच्छे से और एक सीरियल वाइज काम करें कि क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या कैसे कैसे हमें चेक करना है, तभी हम उस समस्या के जड़ तक पहुँच सकते हैं। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। और चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लाएंगे, खोज खोज के कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छा अच्छा दिखाने का कोशिश करें जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।